नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 2 दिनों से लगातार व्यस्तता थी, ये आप जानते हैं। हमारी पूरी टीम पूर्णिया में थी, जो समिट चल रहा था वहाँ, सीमांचल मीट। उस सीमांचल मीट में पूरी टीम गई हुई थी। हालांकि आधी टीम यहाँ थी, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी पूरी नज़र, पूरा फोकस वहाँ था। आपने वो कार्यक्रम देखा ही होगा। संपादक नमन मिश्रा जी कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, और उसके बाद जो चीज़ें निकल करके सामने आई, आप सभी चीज़ों को जानते हैं। अभी और भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी इंटरनल पॉइंट्स हैं, जो आपको बहुत जल्दी इसी सप्ताह में बारी बारी करके दिखाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बिहार में घटित हो रहा है, जो सीमांचल में हो रहा था, उससे भी बड़ा घटनाक्रम बिहार में हो रहा था। बिहार में पटना में, राजधानी में इतनी सारी घटनाएं बड़ी तेजी से घूम रही थी, जिसकी सूचनाएं आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। नीतीश कुमार के देखरेख में एक बड़ा सम्मेलन किया गया, जो न भूतो न भविष्य थी। आज तक ऐसा सम्मेलन नीतीश कुमार ने नहीं देखा था। इतना भीड़ आज तक नीतीश कुमार ने कभी देखा ही नहीं था, और न कभी संबोधित किया था। अब इसका मायने आप समझ सकते हैं कि कितना सक्सेस हुआ ये। इसके सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है नीतीश कुमार के पास कि ये भीम सांसद जो है वो कितना सक्सेस हुआ। इसके लिए उन्होंने, अगर उनके पास होता तो अशोक चौधरी को अपनी कुर्सी तक दे सकते थे, लेकिन संयोग से उस कुर्सी से उनको बहुत प्रेम है, और कहीं ना कहीं वो कुर्सी उनसे इतनी चिपक गई है कि उनसे छूट नहीं पा रही है। खैर, उस कुर्सी के तो कई दावेदारों को उन्होंने रखा है। एक तो तेजस्वी यादव, जो उनके साथ साथ घूम रहे हैं इस इंतजार में कि कभी भी जो लेमन चूस है वो मिठाई में बदल जाएगा और कुर्सी मिल जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी यही कह के ले आए थे। ललन सिंह को भी लगता था कि उस कुर्सी के वास्तविक हकदार तो वही ना है, जदयू का उत्तराधिकारी कोई दूसरा कैसे होगा। और इस उत्तराधिकार की लड़ाई में हर सेनापति दूसरे सेनापति को बाहर निकालता चला गया। आपने देखा होगा आरसीपी सिंह, कभी नीतीश कुमार के राइट हैंड और उनके प्रबल उत्तराधिकारियों में से एक। क्या हुआ सब जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा है, क्या हुआ सब जानते हैं। ललन सिंह को लगा कि उत्तराधिकारी तो वही हैं, क्या हुआ आप सभी जानते हैं। अशोक चौधरी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो नीतीश कुमार अभी भी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, और अशोक चौधरी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि एक बात तो तय है कि या तो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं इस बिहार के विकास का, या फिर अशोक चौधरी कर रहे हैं। क्योंकि कल के जिस तरह से अशोक चौधरी को, और अशोक चौधरी के सामने सीनियर लीडर थे जिन लोगों को पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे, एक्शन में थे। नीतीश कुमार ने कई लोगों को प्रभार दिया था, विजय कुमार चौधरी थे, विजेंद्र यादव थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, ये सब लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने बौना हो गए। अशोक चौधरी काफी ऊंचाई लेकर के चले आए। थोड़ा देर से आने के चलते आपको याद होगा कि विजय कुमार चौधरी को नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा भी, अरे आप तो बोलवो करते यहाँ, अलवे की अहम देर से तो कहा कीजिएगा। रत्न शर्मा हो या अन्य लोग हों, कई लोगों को उन्होंने इशारे में बहुत सारी बातें कही, लेकिन अशोक चौधरी का गुणगान खूब करते रहे और कहा कि ऐसी रैली एक बार फिर करवाइए ना, अगली बार गांधी मैदान में करवाइएगा। खैर, ये सारी बातें 2024 और 25 के लिए पूरी जमीन तैयार होने की है। इस पटक पटकथा के पीछे अशोक चौधरी को बार बार जो टारगेट किया जा रहा था कि उनके पास लोग नहीं है, वोट बैंक नहीं है, अशोक चौधरी ने दिखा दिया कि उनके पास लोग भी हैं, वोट बैंक भी हैं। और हम आपको याद होगा कि इस कार्यक्रम के ठीक पहले आपको बता रहे थे, जब कार्यक्रम की सुगबुगाहट थी, कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे ये दावे किए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, तो हमने कहा था कि अशोक चौधरी को इस मामले में महारत हासिल है। अशोक चौधरी ने कांग्रेस में रहते हुए कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो अपार सफलता लेकर के आई है। भले नीतीश कुमार ने इतना बड़ा रैली कभी नहीं देखा हो और न संबोधित किया हो, क्योंकि आपको याद होगा कि कुर्मी चेतना रैली ऐसी ही एक रैली हुई थी, पता नहीं गांधी मैदान में हुई थी तो चुक्का में बंद हो गई थी कि क्या हुआ था, या नीतीश कुमार वहां देख नहीं पाए थे, यही बात कहा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रैलियां हुई हैं, बहुत सारे सभाएं हुई हैं जहां नीतीश कुमार संबोधित किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी रैली कहीं नहीं थी। कैपेसिटी कितना है ये भी आप जानते ही हैं उस वेटनरी ग्राउंड का। खैर, इन सब बातों से आगे निकलते हैं कि लालू, ललन और नीतीश, इनमें से कौन किस पर भारी पड़ रहा है।
अब तो आप समझ ही गए कौन किस पर भारी पड़ रहा है। लालू प्रसाद जब से तेजस्वी यादव जापान से लौट करके आए हैं तब से पूरी तरह से अपने मुंह पे टेप चिपका के रखे हुए हैं, या तेजस्वी यादव ने उनके मुंह पर टेप जबरदस्ती चिपका दिया है। एक भी बात अब लालू प्रसाद नहीं बोल रहे हैं, न सरकार को लेकर के, न गठबंधन को लेकर के, और न बिहार, यहां तक कि उनकी विदाई तक दिल्ली में कर दी गई और पूरी तरह से नीतीश कुमार अखंड राज कर रहे हैं। बात ललन सिंह की होती है कि कौन किस पर भारी, तो ललन सिंह भारी पड़ जाए ऐसा नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वविदित, सर्वज्ञ है, और बिहार की राजनीति में उनके सर्वज्ञ होने की कहानी हर कोई जानता है। गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार ही को सत्ता पर रहेंगे, और हम बिहार के लोग पिछले 18 साल से नीतीश कुमार का प्रशस्ति गान यूं ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज को अलग अलग खाने में बांटा हुआ है। 14% यादव हैं, देख लिए यादव है जीने नहीं देगा, और ये कह करके बाकी के ओबीसी के जातियां जो है उनको डराया जाता है, कुर्मी और कुशवाहा, ये बाकी की जातियों को भय दिखाते हैं कि इससे लड़ाई लेना है तो हम ही लड़ सकते हैं, क्योंकि 14% है, हम दोनों मिलाकर के करीब 8-9% हो जाते हैं, बाकी आप लोग मिल जाइएगा तो इसको हम लोग, कारण कि 27% है, 13% हम लोग रहेंगे, उसके बाद दलित को मिला लेंगे थोड़ा तो वो 20% है। अब इस सब मिल जाएगा तो सवर्ण जाएगा कहां, यादव के साथ तो जाएगा नहीं, तो यादव मुस्लिम भाई भाई करते रहे तब तक हम लोग सवर्ण को ही मिला लेंगे, तो 15-15.5% ही हो है। ये कहकर के कुशवाहा और कुर्मी समाज जो है वोटों को पोलराइज करता है, और नीतीश कुमार को पता ही है कि कुशवाहा कुर्मी के बड़े नेता है। अब ऐसी स्थिति में जो ये नया समीकरण बना है जिसमें कुशवाहा बिल्कुल अलग थलग है, कुशवाहा उस कुशवाहा वोट बैंक पर अपनी पूरी पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको सम्राट चौधरी का साथ भी मिल गया है। आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी उनमें कितना बढ़िया छोटे भाई बता रहे हैं, यहां आकर के छोटे भाई ये थे, अब वहां छोटे भाई सम्राट चौधरी हो गए हैं, यानी बड़का भैया हो गए हैं, तो इससे बढ़िया आप क्या चाहिए। नित्यानंद राय उनके दरवाजा पर जाकर के भोरे भोरे चाय पिए लेते हैं, ये भी एक फायदा की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा जो है अपनी रणनीति और इसको लेकर के जो पूरा का पूरा पैरामीटर तय किया जा रहा है ये अलग तरीके से किया जा रहा है। बात आरसीपी सिंह की करें तो बीच में आपने चर्चा देखा होगा आरसीपी सिंह की भी खूब हो रही है, आरसीपी सिंह इधर चले आएंगे उधर चले जाएंगे, आरसीपी सिंह जहां है वहां ठीक है, अब उनको भी लग रहा है कि इसके आगे उनका कुछ होना जाना नहीं है, पूजा पाठ दुनिया जहान, उम्र भी हो गया, रिटायर्ड भी होने का उम्र आ गया था, हालांकि वीआरएस ले लिए थे, लेकिन अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां पूजा पाठ भक्ति उक्ति करेंगे। नीतीश कुमार थोड़े हैं कि कुर्सी के साथ चिपके रहेंगे, कुर्सी उनके लिए सब कुछ है, तो आरसीपी सिंह का भी। लेकिन प्रशांत किशोर इसमें एक ऐसा शख्स है जो लगातार जनसुराज के माध्यम से नई नई कहानी रच रहे हैं, और इस कहानी में आपने देखा कि जब आप खबर सुन रहे हैं उसके ठीक एक दिन पहले अक्षरा सिंह जो भोजपुरी जगत की जानी मानी हस्ती हैं, काफी लोगों के बीच में फेमस हैं, अच्छी अदाकारा हैं, गाना भी गाती हैं, इनको अपने जनसुराज में शामिल करके प्रशांत किशोर ने एक बड़ा चैलेंज देना शुरू कर दिया। ये बात यहीं तक नहीं है, इससे पहले आपने तुरंत देखा होगा संतोष महतो को शामिल किए जो नोनिया बिन समाज के से आते हैं, उनका भी एक बड़ा संगठन है और नोनिया समाज का वो बड़े नेता माने जाते हैं, जदयू में भी रहे हैं तब भी बड़े नेता थे, भाजपा में रहे तब भी बड़े नेता थे, और एक बड़े नेता होने के साथ साथ उनमें अपने वोटों को ट्रांसफर कराने की क्षमता भी है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से आसाम में जाकर के उन्होंने नोनिया समाज की एक बड़ी रैली की थी और देश भर में नोनिया समाज को एकजुट करने का काम किया था। अब वो जनसुराजी हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा समाज को, सिर्फ नोनिया ही नहीं, अति पिछड़ा में जितने भी जातियां हैं उन सभी जातियों को, लगभग 100 के आसपास अधिक जातियां हैं, उन सभी को मिलाकर के जनसुराज के तहत रथ यात्रा लेकर पूरे बिहार में घूमेंगे, जो हमारे तक जानकारी मिली है, और अति पिछड़ा समाज को पूरी तरह से उनकी हिस्सेदारी भी मिलेगी। हमने कुछ दिन पहले ही
जब बातचीत हुई थी उसके आधार पर खबर किया था जिसमें 36% है, तो 36% ईबीसी को वोट देने में, प्रतिनिधित्व में और उम्मीदवारी में सब में जगह देंगे प्रशांत किशोर, ऐसा दावा संतोष महतो ने किया है कि हम 36% है तो जितने भी उम्मीदवार हैं यानी लगभग 70 से 75 के बीच में होता है 243 सीट में से बिहार के, वो हमें प्राप्त होगा। इसलिए सब लोग निश्चिंत रहे कि यहां जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। अब ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अक्षरा सिंह के बाद संतोष महतो और एक बड़े छत्रप वहां पहले से बैठे हुए हैं, सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय तक ही बात क्यों रखिएगा आप? सच्चिदानंद राय तो समझिए एक तरह से जनसुराज को एडॉप्ट कर लिए हैं। जहां देखिए वहां सच्चिदानंद राय, जब देखिए तब सच्चिदानंद राय सामने खड़े रहते हैं। जहां भी पार्टी को, या पार्टी तो बनी नहीं है, जहां भी जनसुराज को जरूरत है सच्चिदानंद राय वहां अपने आप को उपलब्ध करा देते हैं। इसके अलावे एक बड़े आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर जज वकील जितने भी मतलब हाई प्रोफेशनल्स हैं उन सारे लोगों की एक टीम लगातार जनसुराज की तरफ मूव कर रही है। इतना ही नहीं, जमीन पर खड़ा वो अंतिम व्यक्ति उस गांव का, वो भी जनसुराजी बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने उसके आंख में एक सपना दे दिया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कुशवाहा प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह को लेकर के जो चल रहा है सब कुछ वो कहां जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बात आप मान के चलिए कि बिहार में एक बड़ी क्रांति आने वाली है, बड़ा चेंज आने वाला है। इस बीच में आपने देखा ही होगा कि कैसे ये सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और इस रणनीति में हर कोई अपना अपना हिस्सेदारी देख रहा है। कहीं ना कहीं कुशवाहा प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह को लेकर के मारामारी मची हुई है और यह मारामारी आपको कयासों के बाजार में बहुत देखने को मिली होगी। खेल समझिए मैं हम आपसे यही विदा लेंगे, लेकिन जो बातें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, हमने ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, कितना सफल हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बिहार और बिहार की राजनीति और आने वाले 2024-25 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारा ज्ञानवर्धन भी कीजिएगा कि आखिर होने वाला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।